दोस्तों, अपनी एक्टिंग के दम पर सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमा चुके नसीरुद्दीन शाह किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। 200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके नसीरुद्दीन शाह ने लोगों के दिलों को छू जाने वाले जितने किरदार निभाए हैं ना, उतनी ही उनकी जिंदगी भी दिलचस्प रही है। कम ही लोग जानते हैं कि रत्ना पाठक से शादी करने से पहले भी नसीरुद्दीन शाह शादीशुदा थे। वैसे तो नसीर साहब काफी खुले विचारों के हैं, कई बार वो अपनी पहली शादी के बारे में खुलकर बात कर चुके हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा एंड देन वन डे में भी इसका जिक्र किया है। साथ ही अपनी पहली पत्नी की बेटी के बारे में भी वो खुलकर बात करते हैं। तो चलिए आज हम आपको नसीरुद्दीन शाह की जिंदगी की वो कहानी सुनाते हैं जो किसी सुपरहिट फिल्म की कहानी से कम नहीं। दोस्तों, नसीरुद्दीन शाह ने पहली शादी 19 साल की उम्र में की थी। नसीरुद्दीन शाह की पहली पत्नी का नाम परवीन मुराद था। कुछ लोग उन्हें मनारा सीकरी के नाम से भी जानते हैं। परवीन पाकिस्तान में पैदा हुई थी। परवीन की माँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करती थी। कॉलेज की पढ़ाई के लिए परवीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आई। एएमयू में परवीन को माँ तो मिली ही, साथ में मिले नसीरुद्दीन शाह जो आज की पढ़ाई कर रहे थे। जब परवीन और नसीर मिले तो परवीन 34 साल की थी और नसीर 19 के। नसीरुद्दीन अपनी आत्मकथा में बताते हैं कि परवीन ने उन्हें एनएसडी जाने के लिए खूब प्रेरित किया। एएमयू में द चेयर्स नाम के एक नाटक के रिहर्सल के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। परवीन नसीर के नाटकों में बैक स्टेज का काम करने लगी। नसीर भी हॉस्टल से ज्यादा परवीन के यहाँ रहने लगे। परवीन पाकिस्तानी नागरिक थी। वो एएमयू से एक के बाद एक डिग्री कर रही थी, साइंस, एजुकेशन और एमबीबीएस तक, ताकि उनका स्टूडेंट वीजा रिन्यू होता रहे और वो कुछ और दिन अपनी माँ के साथ रह सके। लेकिन फिर एएमयू में ऐसे कोर्स ही नहीं बचे जिसमें परवीन दाखिला ले सके। परवीन अपने पिता के पास लौटना नहीं चाहती थी और अपनी माँ के पास वो रह नहीं सकती थी। पाकिस्तान से भारत की उन दिनों कुछ ज्यादा ही खटपट चल रही थी। सीआईडी वाले आकर एक दिन परवीन की माँ के यहाँ दस्तक दे गए कि परवीन का वीजा खत्म होते ही वो लौट जाएं। उस समय बस एक ही रास्ता था जिससे परवीन भारत में रुक सके, और वो रास्ता था कि परवीन किसी भारतीय से शादी कर ले। नसीर परवीन से प्यार करते थे तो दोनों ने एक दिन शादी कर ली। इसके बाद नसीर हॉस्टल छोड़कर परवीन की माँ के यहाँ ही रहने लगे। यहीं पर नसीर और परवीन को एक बेटी हुई। इस बेटी का नाम था हिबा। नसीर इस बच्चे के लिए तैयार नहीं थे। वो एनएसडी में पढ़ रहे थे, उन्हें मुंबई भी जाना था। एनएसडी के दूसरे ही साल तक नसीर परवीन और हिबा दोनों से ही दूर हो गए। इसके बाद परवीन और हिबा लंदन चले गए और फिर ईरान जाकर बस गए। इधर नसीर साहब की जिंदगी अपनी ही रफ्तार पर चलती रही। वो थिएटर कर रहे थे, फिल्मों में काम मिलने लगा। 1975 का साल उनके लिए खासा अच्छा रहा। इस साल श्याम बेनेगल की निशांत आई, इसमें नसीर को रोल मिला और उनकी सराहना हुई। 1975 में सत्यदेव दुबे के नाटक के लिए हो रही एक थिएटर वर्कशॉप के दौरान ही नसीर रत्ना पाठक से पहली बार मिले। रत्ना तब एनएसटी में सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। इनके बीच प्यार पनपा और कुछ वक्त साथ रहने के बाद नसीर ने परवीन को तलाक दिया और रत्ना से शादी कर ली। नसीर और परवीन के बीच संपर्क ना के बराबर था। फिर एक दिन परवीन ने उन्हें लिखा कि हिबा उनसे मिलना चाहती है। बाप और बेटी मिले और फिर हिबा हिंदुस्तान आ गई। रत्ना ने हिबा को अपना लिया और हिबा की आगे की जिंदगी यहीं पर बीती। हिबा ने भी अपने पिता की तरह एनएसडी से पढ़ाई की और एक्टिंग में करियर बनाया। हिबा ने गिनी चुनी फिल्मों में ही काम किया है। हमेशा लीक से हटकर फिल्मों में हिबा काम करती रही। 2002 में उनकी दो फिल्में आई, हाथी का अंडा और मैंगोस्क फल। फिर 2005 में मिस्ड कॉल, 2007 में रवि गोस टू स्कूल, 2014 में क्यों और 2017 में पूर्णा। हाल ही में हमने प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय फिल्मकार माजिद मजीदी की भारत में बनी फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड्स में हिबा को देखा था। इन प्रोजेक्ट्स के बीच का वक्त हिबा ने स्टेज शो को दिया।
नाटक लिखे, निर्देशित किए और एक्टिंग भी की। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।